हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। तो आज का वीडियो एक्चुअली एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे एक व्यूअर्स ने पूछा है इस बारे में, इसलिए मैं आपसे आज ये शेयर करने वाली हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मालिश कब से शुरू करें, उनके मालिश के लिए कौन सा तेल यूज़ करें, उनकी मालिश दिन में किस वक्त करें, और इससे ही रिलेटेड और भी बहुत सारे सवाल हैं, तो वो सारे मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे की मालिश करते कैसे हैं, किस पार्ट से किस पार्ट तक जाते हैं, कौन से पार्ट को पहले करना चाहिए और हर एक पार्ट को कैसे मसाज करते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे की मसाज कितने दिन के बाद करनी चाहिए। जब बच्चा जन्म लेता है उसके कितने दिन के बाद बच्चे की मसाज करनी चाहिए? तो जो छोटा बच्चा होता है उसकी मसाज तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जितना ज़रूरी एक माँ को होता है उतना ही ज़रूरी एक छोटे बच्चे को होता है। जितना दर्द एक माँ सहती है उतना ही दर्द एक बच्चा भी सहता है, खासकर नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे। तो जो उसकी बॉडी होती है वो एक्चुअली ऐसे पाथ से क्रॉस करके बाहर आती है कि उसका बॉडी पूरा मरोड़ चुका होता है, तो उसे मसाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन न्यूबॉर्न में जस्ट जो बच्चा जन्म लिया है उसे मसाज करने में एक चीज़ की बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, वो होता है उसका अम्बेलिकल कॉर्ड, यानी कि नाभि से जो जुड़ी हुई होती है एक पतली सी नाली जो होती है, अम्बेलिकल कॉर्ड जिसे कहते हैं, उसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमें रखना पड़ता है उसे ड्राई ताकि वो आराम से सूखे। उसे सूखने में लगभग 7 से 8 दिन लग जाते हैं और अराउंड 10 दिन में वो अच्छी तरह से सूख जाता है और वो अपने आप ही गिर जाता है। मैंने अम्बेलिकल कॉर्ड की केयर कैसे करनी है उसकी एक अलग वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो वो जा करके देख सकते हैं। तो बॉइलिंग के टाइम पे हमें ये चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खास के अगर बच्चा एकदम न्यू बॉर्न है तो। तो हाँ, न्यू बॉर्न जो है उसकी आप मसाज कर तो सकते हैं, मगर आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसके अम्बेलिकल कॉर्ड सूखी होनी चाहिए, उसमें कोई ऑयल या फिर कोई पानी नहीं जाना चाहिए ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ये तो है कि अगर आप पहले दिन से ही शुरू करना चाहते हैं तो ये डॉक्टर भी जनरली रेकमेंड करते हैं कि आप पहले दिन से मसाज शुरू ना करें, कुछ टाइम के बाद जब उसके अम्बेलिकल कॉर्ड गिर जाए तब उसके बाद से आप मसाज शुरू करें। लेकिन हाँ, बच्चे के बॉडी बहुत पेन होते हैं, बच्चे के बॉडी में अगर आप चाहें तो आप पहले दिन से मसाज शुरू कर सकते हैं, उसके अम्बेलिकल कॉर्ड की जो एरिया है उसको अवॉइड करके, उसके हाथ में, उसके पैर में, उसके कंधे वगैरह पे, उसके नेक वगैरह पे आप उसे मसाज दे सकते हैं हल्के हाथों से। तो ये हो गई कि हमें मसाज कब से स्टार्ट करनी है न्यूबॉर्न में। मैंने अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी, आपको पता है कि बेटी जो है वो थोड़ा डिहाइड्रेट हो गई थी इनिशियल स्टेज में, जिसकी वजह से मुझे जो ड्यूरेशन था हॉस्पिटल में रुकने का वो थोड़ा बढ़ गया था। तो अराउंड 8 डेज के बाद ही मैंने भी शुरू किया था, जब मैंने उसे नहाना शुरू किया था तो फिर जब मैं उसे उस टाइम ही मैं उसे मसाज देना भी शुरू की थी। मसाज उसे मैं देती थी, साथ में मेरे हस्बैंड कभी दे देते थे, और कभी कभी उसकी दादी आई हुई थी उस टाइम पे तो वो भी कभी कभी थोड़ा बहुत मसाज कर देती थी। उन्हें डर लगता था एक्चुअली, इतनी छोटी थी ना वो तो उन्हें छूने में डर लगता था, इसलिए वो ज़्यादा नहीं करती थी, मोस्टली मैं या फिर मेरे हस्बैंड ही करते थे। तो ये तो हुआ कि मसाज हमें कितने दिन के बाद स्टार्ट करनी है जब न्यूबॉर्न हुआ है। तो नेक्स्ट हम आते हैं कि बच्चे को मसाज कैसे करनी है, किस तरह से बच्चे को मसाज करनी है। तो जो न्यूबॉर्न है आपका, उसको अगर आप फ्रंट मसाज दे रहे हैं तो आप एक काम करें, उसे लेटा दें बेड पर, एक चादर या एक साफ कपड़ा बिछा करके उस पे बच्चे को लेटा दें और आप टॉप टू बॉटम उसका मसाज शुरू करें। सबसे पहले उसके सर से शुरू करें, आप नॉर्मल कोई भी ऑयल जो आपको सूटेबल लगता है वो ऑयल आप यूज़ करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी बेटी का स्टार्ट की थी, जॉनसन बेबी का किट मुझे मिला था हॉस्पिटल की तरफ से ही एक गिफ्ट की तरह से, तो वो उसमें ऑलरेडी जॉनसन बेबी का ऑयल अवेलेबल था, तो मैंने उसी से स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने जॉनसन बेबी ऑयल ही
यूज़ किया था अपनी बेटी के लिए। फिर उसके बाद मैं स्विच की थी डाबर लाल तेल पे, जो मुझे बहुत इफेक्टिव लगा। एक्चुअली बच्चे के लिए डाबर लाल तेल मैं आपको रिकमेंड करूँगी अपने एक्सपीरियंस से, कि डाबर लाल तेल एक्चुअली में बहुत अच्छा होता है। उसमें एक्चुअली इतनी सारी जड़ी बूटी होती है और वो काफ़ी नेचुरल है, जिससे क्या होता है कि बच्चे के पेन ना बहुत रिलीफ होते हैं और बच्चा बहुत आराम से सोता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा था कि जब मैं अपनी बेटी को उससे मसाज देती थी तो वो रिलैक्स हो जाती थी और फिर आराम से सो जाती थी। तो डाबर लाल तेल मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप चाहे तो डाबर लाल तेल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में जनरली कहा जाता है कि आप थोड़ा लाइट ऑयल यूज करें, जैसे कि आपका कोकोनट ऑयल हो गया या फिर जॉनसन बेबी ऑयल भी जो होती है वो थोड़ी हल्की होती है, लाइट होती है, वो ज्यादा चिपचिप नहीं होता है बच्चे के बॉडी। ये मेरी बेटी नीचे खेल रही है एक्चुअली, इसलिए ग्लास का आवाज आ रहा है, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो वो क्या होता है कि जो वो सब ऑयल होता है वो ज़्यादा चिपचिप नहीं होता है, तो बच्चे को आराम से एब्जॉर्ब होता है और लाइट फील करता है बच्चा। तो मैंने भी इमीडिएट नहीं लाल तेल यूज़ करना शुरू किया था, थोड़े टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद मैं उसे डाबर लाल तेल यूज़ करना शुरू की थी। बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आप डाबर लाल तेल यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक काम करें, आप उसको नॉर्मल जो कोकोनट ऑयल होती है वो काफ़ी लाइट होती है, तो आप कोकोनट ऑयल और डाबर लाल तेल दोनों को मिक्स करके और फिर उसके बाद यूज़ करें। मैं भी वैसे ही यूज़ करती थी, मैं डायरेक्ट यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि डाबर लाल तेल जो होता है ना वो बहुत थिक होता है, तो ज़्यादा थिक लेयर लगने पे क्या होता है ना, बच्चा गंदा जल्दी होता है, इसलिए हम लोग जनरली वो नहीं प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा थिक ऑयल बच्चे पे डायरेक्ट यूज़ किया जाए। तो मैं सबसे पहले जॉनसन बेबी यूज़ की थी, उसके बाद मैंने स्विच किया था डाबर लाल तेल पे, जो मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा, बहुत टाइम तक मैंने इसके लिए डाबर लाल तेल यूज़ किया है। उसके बाद जो थोड़े थोड़े ना इसके फेस पे थोड़ा रिंकल्स वगैरह आने लगा था, थोड़ा दाना वाना होने लगा था, माइट भी वो गर्मी की वजह से हो रहा होगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला था। मतलब जब मैं डॉक्टर के पास गई और पूछी इस बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने मुझे ऑयल चेंज करने के लिए सजेस्ट किया था, उन्होंने मुझे कोकोनट प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करने के लिए कहा था। वो भी मैं यूज़ की और वो भी काफ़ी इफेक्टिव था, पर बहुत लंबे टाइम तक मैं वो यूज़ नहीं की और मैं सोच रही थी कि देखती हूँ। और वैसे भी आपको कभी भी ना एक ऑयल पे स्विच, मतलब एक ऑयल पे स्टिक नहीं करना है, आप 6 महीने तक एक ऑयल यूज़ करें, फिर उसके बाद दूसरा ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि आपके बेबी को क्या सूट कर रहा है। वो बेबी टू बेबी वैरी करता है, किसी बेबी को सरसों ऑयल भी इवन सूट कर जाता है और किसी बेबी को नॉर्मल कोकोनट ऑयल से भी रैशेज आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, तो वो बेबी टू बेबी डिपेंड करता है। सरसों ऑयल भी बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत टाइम के बाद थोड़ा बहुत सरसों ऑयल यूज की थी अपनी बेटी के लिए, अदरवाइज मैंने सरसों ऑयल ज्यादा यूज नहीं किया है बेबी, अपनी बेटी के मसाज के लिए। जनरली कहा जाता है क्योंकि वो थिक होता है तो वो, और थोड़ा कड़वाहट भी होता है उसमें, इसकी वजह से जनरली उसे मना करते हैं, डॉक्टर्स उसे रिकमेंड नहीं करते हैं यूज करना। इवन आप पेडियाट्रिक से भी अगर आप पूछेंगे कि सरसों ऑयल यूज कर सकते हैं या नहीं बेबी मसाज के लिए, तो उन लोग भी जनरली मना करते हैं। तो लास्ट ऑयल जो अभी रिसेंटली मैं अगर बताऊं कि मैं अभी रिसेंटली क्या यूज़ कर रही हूँ, तो अभी मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए। थोड़ा थिक होता है वो, बट स्टिल मैं वो यूज़ कर रही हूँ अभी भी, और जब वो नहाती है तो उसमें भी मैं एक स्पून डाल देती हूँ ऑलिव ऑयल। उससे क्या होता है कि बेबी के जो मॉइस्चर है ना थोड़े मेंटेन रहते हैं बॉडी में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बता रही थी कि मसाज करते कैसे हैं, ये तो ऑयलिंग के बारे में हो गया, जो भी आपको सूटेबल लगता है, जो भी आपको सबसे ठीक लगता है वो ऑयल आप चूज कर सकते हैं। तो मसाज करने के लिए आप क्या स्टार्ट करें, सबसे पहले सर से स्टार्ट करें, आप नॉर्मल तेल जो है वो अपने पाम में ले लें ऐसे करके थोड़ा घिस लें, और उसके बाद आप ऐसे ऐसे करके बच्चे को मसाज करें अपने हाथ से। सॉफ्ट बहुत होता है सर बच्चे का जो होता है ना, वो इनिशियल स्टेज में बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि जो हड्डी होती है ना सर की, हड्डी डेवलप नहीं होती है, इसलिए जनरली कहा जाता है कि उसे प्रेस भी ना करें, नॉर्मल आप बस जेंटल नॉर्मल हाथ से ऐसे ऐसे उसे फेर दें, उससे क्या होगा कि वो थोड़ा मॉइस्चराइज हो जाएगा। उसके बाद आप आइए फेस पे, बच्चे के फेस पे आप सबसे पहले यहाँ जो उसका ऊपर का पार्ट है ये आप इसको थोड़ा थोड़ा तेल से ऐसे कीजिए, और फिर उसके बाद उसके आँखों को राउंड राउंड करके कीजिए, और फिर उसके नोज पे कीजिए, फिर उसके बाद ये पोर्शन उसका कीजिए, फिर यहाँ जाइए और उसके कान पे थोड़ा थोड़ा मसाज कीजिए, और ये गर्दन को ऐसे ऐसे बस कर दीजिए। यहाँ तक आपके सेकेंड लेयर तक आप ऑलरेडी मसाज कर चुके हैं, और मसाज भी कितने देर तक, बहुत देर तक आपको मसाज नहीं करना।
15 मिनट रेकमेंड करते हैं कि 15 मिनट्स तक आप चाहे तो आराम से बेबी की मसाज कर सकते हैं, वो सफिशियंट होता है बेबी के मसाज के लिए। आप धीरे धीरे आराम से कीजिए, 15 मिनट्स आराम से निकल जाता है, मेरा 15 मिनट से ज़्यादा ही हो जाता था इसको मसाज करते करते। तो वो आप फेस पे कीजिए, ये कीजिए, फिर उसके बाद जब आप चेस्ट पे आते हैं तो चेस्ट पे आप हार्ट शेप बना करके बच्चे की मसाज करें, फिर उसके बाद आप क्रॉस करके थोड़ी बच्चे की मसाज करें, दो उंगली से क्रॉस करके मसाज करें बच्चे की, यहाँ तक लाएं और यहाँ तक, बच्चा लेटा हुआ रहेगा और बच्चे की आप मसाज करें। उसके बाद आप वो आप 3 से 4 बार वैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप नीचे आइए, जो मेन पोर्शन होता है वो होता है बच्चे का पेट, जो कि गैस रिलीज करने में आपको अच्छी मसाज देनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा गैस रिलीज नहीं कर पाता है। छोटा बच्चा जो होता है वो काफ़ी देर तक बेड पर ही लेटा रहता है, वो इनिशियल स्टेज में टर्न करना या इधर उधर भी नहीं मूव करता है, जिसकी वजह से बच्चे के जो बॉडी है वो काफ़ी थक जाती है, उसे पेन होता है, इसलिए मसाज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है इनिशियल स्टेज में, खासकर जब बच्चा अपने आप मूव नहीं करता है। तो उस टाइम में क्या करना है, बच्चे के पेट पर आपको धीरे धीरे ऐसे नीचे करके, जिसे कहते हैं कि मतलब सैंड के, जैसे आप बालू कलेक्ट कर रहे हो ना, वैसे आपको नीचे ऐसे ऐसे करके मसाज करनी है। उससे क्या होगा कि बच्चे का जो गैस है वो रिलीज होता है, नीचे आता है वैसे। तो अगर आप बच्चे की मसाज, मतलब उसका अम्बेलिकल कॉर्ड नहीं गिरा है और उसे पहले से ही अगर आप मसाज कर रहे हैं, तो मैं आपको ये स्टेप स्किप करने के लिए बोलूँगी, क्योंकि बच्चे को अगर आप ऐसे करेंगे तो ऑब्वियसली उसके अम्बेलिकल कॉर्ड पर इफेक्ट आएगा। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, जो बच्चे के अम्बेलिकल कॉर्ड है उसे राउंड करके ऐसे करके उसे मसाज, लेफ्ट टू राइट आप उसको घुमाएं, मतलब कि उसे कहते हैं क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज बच्चे को मसाज दें। अगर आपके बच्चे का अम्बेलिकल कॉर्ड नहीं गिरा है उस केस में, अगर आप पेट की मसाज करना चाहते हैं तो आप क्लॉकवाइज बच्चे की मसाज करें, उससे वो गैस रिलीज करने में उसे हेल्प मिलेगा। उसके बाद आप आ जाइए नीचे के पोर्शन पे, उसके लेग पे आ जाइए। तो लेग आप नॉर्मली आप ऑयल लिए और लेग पे मसाज करने के लिए आप क्या कीजिए, राउंड, मतलब एक हाथ क्लॉकवाइज तो दूसरा हाथ एंटी क्लॉकवाइज, हल्के हाथों से आराम से आप मसाज कीजिए बच्चे के पूरे नीचे तक, और जो तलवा है उसको आप अपने हाथ में ऐसे पकड़ के उसका तलवा हल्का हल्का प्रेस कीजिए। हल्का हल्का प्रेस करने से बहुत रिलीफ मिलता है। इवन आप नॉर्मल पर्सन के भी अगर पैर में दर्द है ना, और आप उसके नीचे जो तलवे होते हैं उसको हल्का हल्का प्रेस कीजिएगा ना, तो उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। तो वो कीजिए, आप लेग को ऐसे ऐसे मसाज कर लिए, आपको 2 बार ऐसे करना है, ऊपर से नीचे तक किए और फिर उसके बाद ऊपर से नीचे तक किए, वो कर लिए। फिर उसके बाद आप बच्चे का जो तलवा होता है वो लिए और उसको हल्का हल्का अपने अंगूठे से हल्का हल्का प्रेस कीजिए, और उसके जो फिंगर है हर एक फिंगर को हल्का हल्का अपने हल्के हाथों से उसे प्रेस कीजिए, उससे बच्चे को रिलीफ मिलता है। उसके बाद आप, मैं एक चीज़ मिस कर दी एक्चुअली, जब आप ऊपर मसाज दे रहे हैं चेस्ट पे, तो वही साथ साथ आपको हाथ पे भी मसाज देना है। हाथ पे भी मसाज देने का सेम ही तरीका है, जैसे आपने पैर पर दिया है वैसे ही हाथ पर भी आप नॉर्मल राउंड एंड राउंड करके आप मसाज देंगे, और बच्चे की जो पाम है उसे आप नॉर्मल हाथों से प्रेस करेंगे, उसके फिंगर्स को प्रेस करेंगे, यही तरीका होता है हाथ का भी। वो आपको करनी है जब आप ऊपर पेट का मसाज कर रहे हैं उस टाइम ही, पेट का नहीं चेस्ट का मसाज, जिस टाइम आप चेस्ट का मसाज करते हैं उसी टाइम पे आपको हाथ की भी मसाज करनी है। तो मैंने आपको पैर तक की मसाज बता दी, अब आपका पोर्शन जो बचा है वो है बैक पोर्शन और साथ साथ उसका बम्प। तो उसके लिए आप क्या करें, आप नॉर्मल बेड पे या फिर आप नीचे ज़मीन पर आप बैठ जाएं और अपने पैर को स्ट्रेट कर लें, और उसके बाद बच्चे को अपने पैर पे लिटा दें। उसके बाद आप बच्चे को उल्टा करके लिटाएं, मतलब कि उसका सर नीचे रहेगा और उसके पैर दूसरी तरफ नीचे रहेंगे, ये ऐसे आपका पैर रहेगा और ऐसे बेबी रहेगा, बच्चे का हेड एक तरफ रहेगा और एक तरफ उसका पैर रहेगा। तो वैसे आप आराम से उसके बैक पर के हल्के हल्के हाथों से ऊपर से नीचे तक आप उसे मसाज दें, साथ ही साथ आप उसके गर्दन पे मसाज दें। उसके बम पे जब आप आना है, बम पे आप नीचे से ऊपर लेके जाएं बम को मसाज करने के लिए, नीचे से ऊपर उसे बम पे मसाज दें।
फिर उसके बाद लेग जो है उसके लेग पे पीछे आपका लेग स्ट्रेट है तो आप ऐसे ऐसे स्ट्रेट ऐसे ऐसे करके उसे मसाज दें लेग पे, क्योंकि लेग पे फ्रंट का मसाज ऑलरेडी हो चुका है। जब आप बैक कर दिए बच्चे मतलब पीठ पे लेटे मैं पेट नीचे है और बच्चा का पीठ ऊपर है तो उस केस में आप बच्चे के पैर पे जब मसाज कर रहे हैं तो स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट मसाज कीजिए उसके बैक मतलब कि लेग के बैक पोर्शन पे लेग के पीछे वाले हिस्से पर उसे स्ट्रेट ऐसे मसाज कीजिए, उससे बच्चा का जो पैर होता है वो स्ट्रेट होने में हेल्प करता है। और वही चीज आप बच्चे के हाथ से हाथ पे भी करें, हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे उसे हल्के हाथों से आराम से आप उसे मसाज दे दें। इतना मसाज काफी होता है आपको इतना ही करने में, क्योंकि छोटा बच्चा होता है आप बहुत सॉफ्टली करते हैं बहुत आराम से करते हैं तो इतना ही करने में आपको लगभग 15 to 20 मिनट्स लग जाते हैं। 15 to 20 मिनट्स में आपके मसाज कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप बच्चे को वैसा ही छोड़ दें, मतलब तुरंत फटाफट कपड़ा पहना दो वैसा कुछ नहीं करना है आपको, बच्चे को वैसे ही 15 मिनट्स तक छोड़ना है और खेलने देना है बच्चे को अपने आप में। बच्चे को मसाज करने टाइम उससे बातें ज़रूर करें, उससे आई कॉन्टैक्ट करें, और जो भी बच्चे को मसाज देता है एक्चुअली बच्चे का उस पर्सन से एक कांटेक्ट डेवलप हो जाता है, एक मतलब लगाव हो जाता है जो भी बच्चे को मसाज देता है। इसलिए प्रेफर करें कि अगर मदर है तो मदर दे सके, अगर दे पाएंगी उस टाइम पे तो वो दे, नहीं तो दादी नानी जो भी है वो उन्हें दे, क्योंकि वो एक कांटेक्ट जो होता है ना वो कोई और से कोई थर्ड पर्सन से हो इससे अच्छा है कि वो किसी फैमिली मेंबर से हो, क्योंकि बच्चा उन्हें पहचानता है उनके टच को पहचानता है जो भी उन्हें मसाज देता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगी कि जो भी फैमिली मेंबर है उन्हें ही मसाज दे छोटे बच्चे को। तो उसके बाद ये तो हो गया कि बच्चे को मसाज कैसे करते हैं, और बच्चे को मसाज देने के बाद उसे 15 मिनट तक रहने दें। और बच्चे की जब आप मसाज कंप्लीट कर चुके हैं ऊपर से नीचे तक तो उसकी एक्सरसाइज करवानी भी आपका ही काम है, क्योंकि बच्चा खुद से मूव नहीं कर सकता इधर उधर नहीं हो सकता है, तो आपका काम है कि उसके बॉडी को मूव कराइए। तो मूव कराने के लिए आप स्टार्ट कीजिए पहले हाथ से, हाथ का मसाज हो चुका है तो हाथ को ऐसे ऐसे करके आप मसाज करवाएं उसके हाथ को, फिर थोड़ा ऊपर फिर नीचे ये मसाज करवाएं हाथ का। और फिर उसके बाद आप आए पैर पे, पैर आप पकड़े पैर को थोड़ा ऊपर धीरे से, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर पैर को स्ट्रेट करें और फिर बैक करें। ये एक्सरसाइज आप 2 से 3 बार बच्चे को करें, इससे क्या होता है कि बच्चा का जो पेन है बॉडी में वो थोड़ा रिलीफ होता है, बच्चे को अच्छा लगता है और बच्चा आराम से सो जाता है इसके बाद। एक्चुअली जब मसाज वसाज हो जाता है एक्सरसाइज हो जाती है तो बच्चे को काफ़ी रिलैक्सेशन लगता है और बच्चा उसके बाद आराम से सो जाता है। तो ये तो बात हो गई कि बच्चे को कैसे मसाज देनी है और कितने एज पे देनी है। अब जो नेक्स्ट है वो मैं बात करने जाऊंगी कि बच्चे को दिन में किस वक्त पर मसाज देनी है, मैं किस वक्त पर मसाज देती थी। तो जनरली जब बच्चा आपका सोकर उठता है तो उसके बाद तुरंत मसाज नहीं देना है उसको, आराम से आप उसे फीड करवा दें, फीड करवाने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ें। और जब उसे नहाने वाले हैं आप तो नहाने से आधा घंटे पहले आपको बच्चे को मसाज दे करके रख देना है, मतलब कि हाफ एन आवर पहले। अगर आप 12 बजे बच्चे को नहलाने वाले हैं तो आप प्रेफर करें कि आप 11 बजे तक बच्चे की मालिश शुरू कर दें, बच्चे को मालिश करना शुरू, क्योंकि हाफ एन आवर तक आप रखिए कि अगर आपको मसाज वसाज करने में हाफ एन आवर तक लग जाता है तो आपके 11:30 बजे तक मसाज कम्प्लीट हो जाएगी और 11:30 से 12 बजे तक आराम से आप बच्चे को वैसे ही रख सकते हैं। वो इसलिए होता है ताकि जो भी ऑयल है वो बच्चे के बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। 15 to 20 मिनट्स इज सफिशियंट, 15 से 20 मिनट के अंदर बच्चे के अंदर जो ऑयलिंग आप किए हैं वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत देर तक बच्चे को रख देंगे तो वो ज़्यादा ऑयल बच्चे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नॉर्मली आप बच्चे को ऑयल कर कीजिए, ऑयल करने के बाद उसकी एक्सरसाइज करवाइए, एक्सरसाइज करने के बाद उसे वैसा ही रहने दीजिए, खेलने दीजिए थोड़ी देर के लिए। 15 to 20 मिनट्स के बाद आराम से आप उसे नहाने के लिए लेके जा सकते हैं, उसके बाद उसे नहला दें।
जनरली ये प्रेफर किया जाता है कि ऑयलिंग जो है वो नहाने से पहले की जानी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जो भी एक्स्ट्रा ऑयल जो बॉडी पे है जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो सारे निकल जाएंगे, क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज़ है ना जो डस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से बेबी गंदा होता है, उसके मतलब इन्फेक्शंस होते हैं, उसे एलर्जी होती है। इसलिए ऑयल एक टाइम तक ही बच्चे के बॉडी पर रहने दें, उसके बाद उसे नॉर्मल हल्का गुनगुने पानी में डालकर आप उसे धो दें, बच्चे को नहला दें। नहाने की वीडियो मैं ऑलरेडी डाली थी कि मैं सबसे पहले अपनी बेटी को जब पहली बार नहाई थी तो कैसे नहाई थी, आप चाहें तो वो वीडियो भी जा करके देख सकते हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे प्लेलिस्ट में। तो बच्चे को आप एक्चुअली नहलाना क्या, उसे साफ कर देना, पोंछ लेना हल्के गुनगुने पानी से, और फिर हल्का सा उसे पानी में डालना ताकि उसे रिलीफ महसूस हो। तो ऑयलिंग आपको करनी है बच्चे के नहाने से पहले दिन में एक बार, और उसके बाद अगर आप चाहें, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी बेटी को ऑयलिंग करती थी 3 टाइम, एक जब नहाने से पहले उसे मैं ऑयलिंग करती थी, एक शाम में मैं उसे ऑयलिंग करती थी, और उसके बाद एक रात में सोने से पहले मैं उसे ऑयलिंग करती थी। तो हर टाइम ऑयलिंग करने का जो तरीका है वो सेम ही होगा, लेकिन जो शाम में और रात में होता है उसमें क्या होता है कि आप उसके बाद बच्चे को नहलाते नहीं हैं, तो उस टाइम में आप बच्चे को अच्छे से स्वेडल कर दें, मतलब अच्छे से लपेट दें ताकि जो बाहर की जो डस्ट वगैरह है वो उसके बॉडी में ना लगे, उसमें ना चिपके। तो उससे क्या होगा कि बच्चा गंदा नहीं होगा और बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप शाम में या फिर रात में ऑयलिंग कर रहे हैं तो उसके बाद फुल स्लीव्स का अगर आप चाहें तो बच्चे को कपड़े पहना सकते हैं, या फिर बच्चे को जनरली कहा जाता है जो न्यूबॉर्न्स होते हैं या कुछ महीने के बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा कवर कपड़े में नहीं पहना करके उसे कपड़े में लपेट देना ज़्यादा बेहतर होता है, तो वो आप चाहें तो वो आप कर सकते हैं। मैं उसे फुल स्लीव्स का कपड़ा ही पहना देती थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था उसमें, मैं आराम से पहना करके उसे छोड़ देती थी। बहुत सारे ऐसे वनजी आते हैं जो आपका ऊपर से नीचे तक कवर किया हुआ रहता है, वैसे कपड़े मैं उसे पहना देती थी ऑयलिंग करने के बाद, और सोने से पहले भी मैं उसे वैसे ही कपड़े पहनाकर सुलाती थी। आप चाहें तो आप स्वेडल के भी रख सकते हैं। तो ये हो गया कि बच्चे की ऑयलिंग दिन में कितनी बार करनी चाहिए और बच्चे की ऑयलिंग किस टाइम पे करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है बच्चे के मसाज या फिर बच्चे के ऑयलिंग से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँ। याद रखिए, नए बच्चे के लिए 3 चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उसके ग्रोथ के लिए। जो सबसे पहले है वो है उसका फीडिंग। 6 महीने के बच्चे से, अगर आपका बच्चा 6 महीने का है या 6 महीने से छोटा है, तो ओनली मदर मिल्क इज बेस्ट, सबसे अच्छा होता है कि मदर मिल्क उसे मिले। दूसरी चीज जो है बच्चे के ग्रोथ के लिए जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है वो होती है उसकी प्रॉपर स्लीप। बच्चा जितना सोएगा उतना अच्छा डेवलप करेगा, उतने अच्छे से डेवलप करेगा, तो बच्चे को प्रॉपर नींद बहुत जरूरी होती है। जिसके लिए तीसरी पॉइंट आती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है, वो होता है मसाज, बच्चे की प्रॉपर ऑयलिंग। तो ये 3 मंत्र बच्चे को एक्चुअली ग्रो करने में और बच्चे को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है, प्रॉपर फीडिंग, प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर मसाज। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको अपने आप ही मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।